रायगढ़ में पुलिस ने एटीएम में तोड़फोड़ करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जानकारी के अनुसार कोतरा रोड थाना अंतर्गत 18 जनवरी की रात किरोड़ीमल नगर आजाद चौक स्थित एसबीआई के एटीएम मॉनिटर और लॉबी में लगे ग्लास को रुपए चोरी करने की नियत से तोड़फोड़ करने वाले आरोपी युवक को कोतरा रोड थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एसबीआई एटीएम का संचालन करने वाली कंपनी टीएसआई के डी त्रिलोचन साव ने 19 जनवरी को कोतरा रोड थाना में आवेदन दिया था, जिसमें कहा गया था कि 19 जनवरी की दरमियानी रात्रि कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करने की नियत से एटीएम में लगे मॉनिटर और लॉबी में लगे ग्लास को तोड़कर एटीएम को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपी पर धारा 457, 380, 511 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया और संदेह के आधार पर दीपक पासवान पिता श्रीराम पासवान उम्र 29 साल निवासी हीरा सिकनी थाना जपला जिला पलामू झारखंड को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की। तो आरोपी युवक दीपक पासवान ने एटीएम में चोरी की नियत से तोड़फोड़ करना बताया, इसके बाद उसे जेल भेज दी गई है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतरा रोड उप निरीक्षक गिरधारी साहू, सहायक उप निरीक्षक कमल सिंह राजपूत, शासन एक्का संजू पटेल और अशोक राठिया की भूमिका रही। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।